अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन एक दफ़ा फिर हाजिर है आपकी खिदमत में हर्बलिस्ट फ़िरोज़ अली। तो नाज़रीन आज का जो हमारा मौज़ू है ये एक भाईजान के सवाल का जवाब है कि जो कसरत मुबाशरत होती है या जो जवानान हैं जब ज़्यादा ही मादा मन में गुजाया कर ले तो उसको यानी किस तरह कवर किया जाए, उसकी वजह से जो कमज़ोरियाँ जिसम में होती हैं मिसाल के तौर पर जरियान वगैरह या फिर इसके अलावा इतनाम ज़्यादा हों, जुदावत जिसका जो मसला हो गया होता है या असल में जो हरारत ग्रेजी जो कम हो गई होती है यानी जिसमानी कमज़ोरी हो गई होती है, एहसास कमतरी का शिकार हो गए होते हैं या फिर इसके अलावा जितने भी मसाइल नज़र की कमज़ोरी हो गई होती है, यानी कि अगर मुकम्मल एक लफ्ज़ कहा जाए या एक जुमला कहा जाए तो जो कसरत मुशनी कह लें या कशरत कसरत मुबाशत के जो मुजर असरात हैं उनसे जो उनको कवर करने के लिए यानी कि कोई एक अच्छा सा नुस्खा बताया जाए। तो नाज़रीन आज वो मैं नुस्खा वही बताऊंगा, तो उम्मीद करता हूं आपको वो नुस्खा पसंद आएगा। तो नाज़रीन उस नुस्खा में गंदक 40 ग्राम, पुदीना 30 ग्राम और नुशादा जो है वो 10 ग्राम, ये हम वजन है सबूफ बनवा लें अच्छी तरह। और अगर उस मरीज़ को पहले कब्ज़ हो तो कब्ज़ के लिए साथ कोई दवा दे दें, ठीक है। अगर नज़रिया के मुताबिक देनी है तो मसहल दवा दे दें इसी मिजाज के मुताबिक जिस मिजाज के ये नुस्खा है, हुक्मा हजरात समझते होंगे इस नुस्खा को। और जब ये नुस्खा इस्तेमाल करवाया जाएगा तो हरारत ग्रेजी जो है वो जिस्म में पैदा होगी, और हरारत ग्रेजी जब जिस्म में पैदा हो जाए तो हुक्मा जानते हैं कि अगर सही तरीके से हरारत ग्रेजी पैदा हो चुकी हो और उसे संभाला जा चुका हो यानी संभाला जा चुका हो तो बाल भी काले हो जाते हैं और ये काय पलट काम कर जाती है हरारत ग्रेजी, और फिर से यानी कि जवानी वाली जो लहर आती है वो वापस हो जाती है। तो हुक्मा समझ चुके होंगे इस नुस्खा के फ़वायदे या फिर जो भी हुक्म है वो इस फार्मूला से ही समझ चुके होंगे कि कितने के फ़वायदे के सादा सा नुस्खा है और फ़वायदे इसके कितने होंगे। कुछ का ये है कि आम जो नाज़रीन हैं वो जब तजर्बा करें वो खुद ही देख लेंगे कि इससे कितने फ़वायदे हासिल होंगे उन्हें। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ये जो इस नुस्खा की मकदार खुराक है, माजद से मैं बताना भूल गया, इस नुस्खा की मकदार खुराक 1 ग्राम है यानी कि तकरीबन 2 जो चने होते हैं सफ़ेद चने उनके बराबर होगी, 1 ग्राम के बराबर है। सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं या सुबह शाम इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। काम ज़्यादा भी किया जा सकता है इस नुस्खे की मकदार खुराक को, लेकिन बेहतर ही 1 ग्राम ली जा सके, बाकी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये दूध से भी दिया जा सकता है उसका। तो इंशाल्लाह जितने मैंने फ़वाद बताए इंशाल्लाह हासिल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़ के मान।